क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के लिए? देखिए, जैसा कि आधी आबादी जो आज के अवार्ड शो का जो टाइटल है, ये टाइटल अपने आप में ही एक ऐसा खूबसूरत टाइटल है जिसमें नारी सम्मान की बात आ जाती है। आधी आबादी का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी आबादी है 120 करोड़ की, उसमें से हम ये नहीं कहेंगे 60 करोड़ महिलाएं हैं, लेकिन महिलाएं भले कम ही क्यों ना हों, लेकिन उनका जो रुतबा है, जो उनका वजूद है, जो उनकी अपनी शख्सियत है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में महिलाओं की शख्सियत आज हमारे जो पुरुष हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। इस अवार्ड फंक्शन की खूबसूरती मुझे ये लगी है, जहाँ मुझे आज एक गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह बुलवाया गया है, कि महिलाओं को एक ही मंच पर ला के, भले वो किसी वर्ग की हों, किसी धर्म की हों, किसी जात की हों, उससे कुछ लेना देना नहीं है, और एक ही मंच पर ला के उन महिलाओं को सम्मानित करना, अलग अलग क्षेत्रों से सम्मानित करना एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे एक महिला जो हाथों से, उनके हाथ नहीं हैं, और एक महिला जो हमारी गवर्नर है मृदुला जी, उनको एक मंच पर सम्मानित करना एक वाकई सराहनीय कार्य है। मैं तो ये कहूँगा कि नारी जो है उसके बहुत से रूप होते हैं। नारी जब पैदा होता है बच्चा तो एक बच्ची का रूप होता है, फिर बड़ी होती है, फिर शादी होती है, फिर एक बहू के रूप में चली जाती है, फिर एक माँ के रूप में होती है, फिर उसका बच्चा होता है, तो एक साइकिल है। और नारी को आज के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानित करना जो का उद्देश्य है, एक बहुत सराहनीय कार्य है, और मैं इसे अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट कर रहा हूँ। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये अवार्ड शो जो है एक इंस्पिरेशन होगा महिलाओं के लिए, हमारे देश के महिलाओं? जी हाँ, बिल्कुल, महिलाओं के लिए एक ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, और महिलाओं को इंस्पिरेशन, मैं तो यूँ कहूँगा कि महिलाएं हमको इंस्पायर करती हैं, पुरुषों को इंस्पायर करती हैं, क्योंकि अगर आप विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे तो आप अगर कला के क्षेत्र में देखें, अगर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देखें, बिजनेस के क्षेत्र में देखें, तो आज जो महिलाएं हैं वो एरोनॉटिकल तक चली गई हैं। कल्पना चावला की बात करते हैं तो वहाँ चली गई हैं। अगर हम इंदिरा नोई की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी पेप्सी कंपनी की आज वो सीईओ बन चुकी हुई हैं। अगर हम स्पोर्ट्स में सेना नेहवाल और सायना मिर्ज़ा की बात करते हैं तो पहुँच चुकी हैं। कला क्षेत्र के अंदर हमारी रेखा को देखें तो बहुत बड़ा है। लेकिन महिलाओं को सम्मानित करने के साथ साथ उनसे जो इंस्पिरेशन हम ले रहे हैं वो एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है, और इस अवार्ड के ज़रिए जो उनको सम्मान दिया जा रहा है, इसमें हम समझते हैं कि हमारा सौभाग्य है। जी, पुरुषों के सम्मान में ऐसे अवार्ड फंक्शन शोज कब होंगे? नहीं, देखिए, पुरुष जो हैं, अगर हम आज की बात को मान लें तो पुरुष जो होते हैं आज के दौर में, आज के समाज में, कहते हैं वक्त बदलता है तो समाज बदलता है, समाज बदलता है तो इंसान बदलता है, इंसान समाज का जिम्मेदार है और समाज इंसान का, और पुरुष इसी समाज में रहता है। तो पुरुष प्रधान समाज में अगर हम नारी को ज़्यादा महत्व देते हैं तो मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है, लेकिन पुरुषों के लिए तो मेरा मानना है कि बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होते हैं जहाँ पुरुषों को सम्मानित किया जाता है, मुझे भी सम्मानित किया जाता है, मगर नारियों के लिए बहुत कम अवार्ड्स होते हैं, और ये जो कार्य अगर ये किया गया है तो मैं समझता हूँ कि ये सराहनीय है, प्रशंसनीय है। तो इस अवार्ड शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वुमेंस को यहाँ पर फेलिसिटेट किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस यूनिक अवार्ड शो के बारे में? ये यूनिक अवार्ड शो इसलिए है, आधी आबादी महिलाओं की आधी आबादी मानते हैं हमेशा, हमारे देश में आधी महिलाएं हैं और आधे पुरुष हैं, लेकिन वो कम हो रही है, अभी लोग ऐसा कह रहे हैं कि कम हो रही है। हमारा अवार्ड का मेन ये है कि हम ऐसी महिलाओं को गांव से चुनते हैं, जो कि जैसे अभी इस बार हम एक अवार्ड दे रहे हैं जिसमें एक लेडी है जिनके दोनों हाथ नहीं हैं और वो अपने पाँव से पेंटिंग करती हैं, और इसी मंच पर हम मृदुला सिन्हा जी जो कि गोवा के गवर्नर हैं उनको दे रहे हैं, तो वो लेडी को एक फील आएगा कि जिस प्लेटफॉर्म पे मृदुला सिन्हा जी को अवार्ड मिल रहा है उसी प्लेटफॉर्म पे हमें भी सम्मान दिया जा रहा है, तो एक उनका मॉरल सपोर्ट जो है ना बहुत हाई हो जाता है। ये मेन कॉन्सेप्ट है इस अवार्ड का। ये कैसे जहन में आया कि ऐसा कोई अवार्ड शो होना चाहिए? ये एक्चुअली आधी आबादी के नाम से मेरा डीडी न्यूज़ पे एक प्रोग्राम आता था बहुत पहले, वो 10 साल मैंने दूरदर्शन पे चलाया, बहुत लंबा चला, तो जब मैं शूटिंग के लिए कभी कभी जाता था, हमेशा तो नहीं जाता था, कभी कभी जाता था तो वहाँ देखता था, एक लेडी का नूर बानो करके कोई लेडी थी, उनका हमने एक स्टोरी चलाया। जब दोबारा वहाँ गए तो उनके पूरी फैमिली के लोग रोने लगे, बोले कि ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं, आपने दिखाया, ये बहुत अच्छा ये लगा उनको। तो हमने सोचा कि ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं, उनको सामने लाने की ज़रूरत है और एक मंच देने की ज़रूरत है जहां उनको भी लगे कि हम भी कुछ कर रहे हैं,
ये बेसिक कॉन्सेप्ट आया उस टाइम से और हमने 2009 में स्टार्ट किया, 6 साल हमने दिल्ली में किया और ये 7वां साल बॉम्बे से स्टार्ट किए हैं। उम्मीद है 7-8 साल और बॉम्बे में ही करेंगे, सर का सपोर्ट रहेगा तो हम तो करते ही रहेंगे। बहुत बहुत खुशी की बात है क्योंकि नारी को आज के डेट में इमैन्सिपेशन की बहुत ज़रूरत है और जितना हम नारियों के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे उतना आम लोगों को इंस्पायर करेंगे कि वो जो जेंडर डिफाइंड रूल्स हैं उनको ब्रेक करके वो कुछ भी हासिल कर सकती हैं, उन्हें इंस्पायर करें कि वो आगे बढ़ सकती हैं, कुछ भी अचीव कर सकती है लाइफ में। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी 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 नोबल कॉज। स्वीटी आपको भी सम्मान मिलने वाला है आज नारी अवार्ड का, तो कितना गर्व महसूस कर रही हैं? गर्व से ज़्यादा मैं फॉर्चुनेट खुश नसीब महसूस करती हूँ क्योंकि मतलब वर्क हैज़ कम माई वे और मेरे ख्याल से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि मैं दूसरे लोगों को इंस्पायर करूं, दूसरी महिलाओं को इंस्पायर करूं कि वो कुछ भी हासिल कर सकती हैं, दे जस्ट हैव टू ड्रीम ऑफ इट एंड कोई भी चीज़ उनको स्टॉप नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट एवरीथिंग शुड इंस्पायर देम टू बिकम बिगर एंड बेटर। जैसे आप देखिए अवार्ड शो का नाम है आधी आबादी, तो कह सकते हैं कि मतलब महिलाओं की आबादी भी कम है हमारे देश में अगर देखा जाए तो देश में, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत लोग काम कर रहे हैं फीमेल फीटिसाइड पर और फीमेल फीटिसाइड पर एंड फीमेल एजुकेशन पर, तो हम आगे बढ़ेंगे। आधी जितनी आबादी होनी चाहिए वो ज़रूर हो। वुमन सेफ्टी को लेकर भी काफ़ी सवाल उठते हैं, तो उसको लेकर क्या बहुत एक्चुअली प्रोविज़न करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि हम खबरों में आए दिन देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन इनफैक्ट, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ऐसी प्रोविज़न भी बनाई जानी चाहिए कि एवरी वुमन शुड बी टॉट सेल्फ डिफेंस, क्योंकि हमेशा कोई आपकी ज़रूरत के लिए नहीं पहुंच सकता, तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है खुद को सुरक्षित करने के लिए कि आप सेल्फ डिफेंस का कोई भी एक तरीका ज़रूर सीखें। जैसे मैम आप बताने जाते हैं, आप वुमेन को क्या बोलोगे इंस्पायर होने के लिए? इंस्पायर होने के लिए नथिंग टू स्टॉप यू, सेलिब्रेट बीइंग अ वुमन, डोंट बी सैड अबाउट इट। मैं सबको मॉरल सपोर्ट देने आया हूँ, सब फ्रेंड्स लोग ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा कदम है और इससे बहुत अच्छी जो है ऊर्जा मिलती है और एक बहुत मॉरल सपोर्ट मिलता है सबको, तो इस मिशन में मैं भी, मुझे भी मौका मिला कि पार्टिसिपेट करूं और मैं चलाया। राजपाल जी, आपके जीवन में औरतों और महिलाओं का कितना योगदान रहा है, मतलब कितने आप प्रोत्साहित हुए हैं और कितना इंस्पायर हैं आप और कितना सपोर्ट करते हैं उनको? मैं बिल्कुल नारी शक्ति मानता हूं और मैं उसमें कंप्लीट बिलीव करता हूं कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। मुझे लगता है कि नारी जननी है और जितना जिस धरती पर वुमेन्स की इज्जत होगी वहाँ 100% कभी भी बर्बादी नहीं होगी, और इसमें मेरा बहुत अधिक विश्वास है इस चीज़ का, क्योंकि हमारे घर में माँ बहनें और बोलते हैं कि एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आ गई, आपने पूछा कि जो पतन से बचा ले वो पत्नी और जो हनन से बचा ले वो बहन और जो सारी समस्याओं को देख खुल के चुनौती क्या मेरे पास आए वो माँ, और आपके बेसूत्री कार्यक्रम को एक सूत्री बना दे वो है सुपुत्री। तो हम कहीं न कहीं सुपुत्री में होते हैं, कहीं बहन में हो के रूप में होते हैं, कहीं माँ के रूप में होते हैं, कहीं पत्नी के रूप में होते हैं, कहीं प्रेसी के रूप में होते हैं, लेकिन जिसमें बोलते ना प्रजनन की क्षमता होती है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली होता है, और मैं नारी शक्ति को सबसे शक्तिशाली जो है मानता हूँ, हमेशा इज्जत करता हूँ। आपके जीवन में अगर मैं किसी नारी की बात करूँ जिनके वजह से आप बताना चाहेंगे कि जिनके वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऐसा किन का योगदान आपके जीवन में रहा है जिसके वजह से आप यहाँ? मेरी माता। थैंक यू गॉड ब्लेस। मैम, नारियों का सम्मान तो हमेशा से हुआ है, उसको अवार्ड देने की क्या जरूरत पड़ेगी? समय समय पर उसी सम्मान भाव को प्रकट करना पड़ता है ताकि समाज उसको अच्छी तरह से समझे, जो नहीं समझते हैं वो भी समझें। इसलिए मैं तो इस आधी आबादी जो संस्था है उसको सम्मानित करती हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटे छोटे एक ही जगह पे नहीं सारे देश में और हर समय होते रहना चाहिए, हर गांव में थोड़े थोड़े कामों का जो अच्छा काम महिलाएं करती हैं सबका करना चाहिए। मैं समझती हूँ सचमुच ये आधी आबादी का सम्मान है, ये मृदुला सिन्हा का सम्मान नहीं हुआ, और आप लोगों के चेहरे पर भी इतनी मुस्कुराहट देख रहे हैं कि आप सब भी पुरुष लोग भी इतने खुश हो,
ये बड़ी खुशी की बात है, ये बड़ी प्रसन्नता की। आज के दौर में भारत में नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी बहुत प्रसन्नता की बात है, और महिलाओं को सम्मान देते हुए, उसको उचित शिक्षा देते हुए, उसको सुरक्षा देने के लिए सब लोग एकजुट हो गए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं को सम्मान केवल परिवार से नहीं, सारे समाज से मिलना चाहिए, और इस पे कहना कुछ नहीं है, ये प्रसन्नता की बात है। लेकिन मैं अपनी बेटियों को, अपनी पोतियों को ये कहना चाहूँगी, ये जो सम्मान समाज से मिल रहा है, इसको अच्छी तरह से इसको ग्रहण करो, और इसके बारे में सोच करके वैसे ही समाज का निर्माण करने के लिए संकल्प लो। Actually, very, very excited because I was a part of this award function last year when it happened in Delhi. And मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि मुझे पिछले साल इस अवार्ड से नवाजा गया, और इस साल मुझे अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए और इस एसोसिएशन का हिस्सा करने का मौका दिया गया है। सो आई एम एक्चुअली वेरी वेरी एक्साइटेड एंड टू मीट ऑल दीज वुमेन अचीवर्स एंड कंग्रेचुलेट देम हु हैव अचीव्ड सो मच। घूमने वाले ब्रश को पकड़ा, जो बेहतरीन तस्वीर दुनिया को दिखाई है, उस तस्वीर का हर एक रंग आपके व्यक्तित्व, आपके समर्पण और आपकी सिर्फ इसी अवार्ड फंक्शन से नहीं, हर एक अवार्ड फंक्शन, हर एक यू नो ऐसा इंस्टीट्यूशन जो वुमेन और उनकी अचीवमेंट को रिकग्नाइज करता है, और ख़ास करके ये अवार्ड फंक्शन स्पेशली बिकॉज इट इज़ सेलिब्रेटिंग वुमेन एंड देयर अचीवमेंट्स। इट्स द सेवेंथ ईयर, सेवेंथ एनिवर्सरी, द सेवेंथ टाइम इट इज़ हैपनिंग, एंड द सेवेंथ लॉट ऑफ वुमेन आर बींग रिकग्नाइज फॉर देयर अचीवमेंट्स। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई कंग्रेचुलेट द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन एंड द क्रिएटर्स। अगर हम वुमेन सिक्योरिटी की बात करें, तो आज भी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं उस लेवल की सिक्योरिटी नहीं है जो हम वुमेन्स को प्रोवाइड करा सकें, तो आप इसकी क्या सोचती हैं इस चीज़ में? देखिए, आई थिंक ये सिर्फ हमारी ही कंट्री का इशू नहीं है, आई थिंक ये हर कंट्री का इशू है, चाहे वो सबसे डेवलप्ड कंट्री क्यों ना हो, चाहे हम अमेरिका की बात क्यों ना कर ले या यूके की बात क्यों ना कर ले। आई थिंक दैट क्वेश्चन अराइजेज इन एवरी कंट्री, बट हम हर रोज़ कोशिश कर रहे हैं, हर रोज़ चीज़ें बेहतर हो रही है, और यू नो औरतों को सिक्योरिटी प्रदान की जा रही है, माहौल अच्छा बनाया जा रहा है सोसाइटी में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो औरतों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है और रिकग्निशन दे रही है। सो आई थिंक वी आर ओनली इम्प्रूविंग विद एवरी डे। आपकी लाइफ में कोई एक लेडी जो जिनसे आप इंस्पायर हो, एक्सेप्ट योर फैमिली? एक्सेप्ट फ्रॉम माय फैमिली, थोड़ा समय बायस डांसर दूंगी। आई थिंक ऑफ कोर्स माय मदर, बट मदर से ज़्यादा मेरी जो ग्रैंड मदर है उनसे, बिकॉज यू नो उन्होंने एमए किया, शी इज़ एमए लिटरेचर, और शी इज़ अ प्रोफेसर, एंड उनके साथ साथ उन्होंने इतनी बड़ी फैमिली को यू नो शी ब्रॉट देम अप। तो एक औरत, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक स्पेसिफिक, नहीं मेरी ही परिवार की औरत नहीं, आई थिंक किसी भी हमारी परिवार की किसी भी औरतों को ले लो, वो घर का काम भी संभालती है, और हमारी हमें से कितने लोगों की मदर्स घर का काम और हाउसवाइफ बनने के अलावा बाकी काम भी करती है, बाकी बहुत कुछ अचीव किया है। तो आई थिंक हर औरत जिसने इतना कुछ अचीव किया है, एवरी वन नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी औरत को अवार्ड दिया जाता है, बिकॉज हमारे हिंदुस्तान में औरतों को बहुत नीचे रखा गया अब तक के, और मुझे बहुत खुशी होती है जब किसी औरत को सामने लाकर उसे एक अवार्ड दिया जाता है, उसे रिकग्निशन मिलता है, उसे इतने लोगों के बीच में एक इज्जत मिलती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, ये औरतों को जब आप, महिलाओं को जब आप सामने लेकर आते हो, उन्हें उनके अच्छे काम के लिए जब आप अवार्ड देते हो, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो ऐसा, इस तरह का प्रोत्साहन औरतों को मिलता रहना चाहिए, तो अच्छी बात है। अच्छा, आपकी लाइफ में ऐसी कोई महिला है जिसने आपको इंस्पायर किया? मेरी मम्मी से ज़्यादा शायद मुझे किसी ने इंस्पायर नहीं किया, और आई थिंक हम सभी की
जो माँ होती हैं वो आपको आगे बढ़ाती हैं, सब कुछ सिखाती हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, हर मुश्किलों से लड़ने के लिए। तो आई थिंक मैं अपनी माँ से जितना इंस्पायर हूँ शायद और किसी से नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि सबसे पहले तो ये जो वुमेन अचीवर अवार्ड हो रहे हैं आदि शक्ति जो आदि आबादी अवार्ड है, तो मैंने तो देखिए मैं इसका पूरा श्रेय देना चाहूँगी अपनी मम्मी को जो कि खुद एक नारी है, खुद एक वुमेन है, नारी शक्ति है, और पूरी फैमिली को कि मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे जो मैं करना चाहती हूँ वो करने दे रहे हैं। तो मेरी मम्मी मुझे मेरी सबसे बड़ी मैं बोलूँगी कि प्रेरणा सूत्र हैं और वो मतलब उनकी वजह से मैं थोड़ा बहुत जो भी कर रही हूँ वो कर रही हूँ। जी जी, आपकी बातों से लगता है आप लता दीदी को बहुत सुनती हैं, बहुत मानती हैं। उनके अलावा आपकी मम्मी के अलावा कोई एक ऐसी लेडी जो आप उनको बहुत फॉलो करते हैं आप? मैं तो सीरियसली ये बात सच है कि मैं हमारी लता दीदी को बहुत एडमायर करती हूँ। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप उनके अंदाज में जो है कहने की गाने की कोशिश करती हैं, तो क्या आप उनको प्रैक्टिस करती हैं? तो मैं सच में बोलती हूँ मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन सुना बहुत है तो जहन में जैसे सबकॉन्शियस माइंड में हो जाता है। तो मैं पर्सनली बहुत बड़ी एडमायर हूँ और उनकी तरह कोई नहीं गा सकता, हाँ उनका अंदाज जो है वो ज़रूर फॉलो करती है। इस तरह के अवार्ड जो है महिलाओं को इंस्पायर करते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह जी जी यूज़फुल होते हैं जो इस तरह के अवार्ड है, वुमेन अचीवर्स अवार्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँगी ये मतलब इवन हर अवार्ड जो हमें मिलता है एक आर्टिस्ट को मिलता है, लेकिन खास तौर पे जो वुमेन के लिए ये अवार्ड रखा गया है, ये बहुत मैं बोलूँगी कि बहुत बड़ी बात है। ये मैं दिल से इसे अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि एक मतलब वुमेन के लिए एक तरह का बूस्ट देता है ये, कि हमें हम सराहता है हमारे किसी भी कार्य को। और ये मुझे पर्सनली मैं बहुत थैंकफुल हूँ इनके दीपक जी की, जिन्होंने ये अवार्ड आदि आबादी अवार्ड जो रखा है, तो थैंक यू सो मच। आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान की कुछ एक महिलाएं जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती है, जिसके वजह से भी वो आगे नहीं आ पाती हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ परसेंटेज है और इस तरह के अवार्ड से उनको इनकरेजमेंट मिलेगी और वो आगे आएंगी? जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जितनी भी अभी भी हमारे मतलब देश में ऐसी वुमेन हैं जो बहुत ही टैलेंटेड हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं, तो और छोटे शहरों में या मैं बोलूँगी लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है उनको, तो ऐसे अवार्ड्स जो हैं वो ख़ास तौर पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में और छोटे शहरों से निकल के बड़े शहरों में आने में एक्सपोजर उनको मिलता है और आगे कुछ करने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे इस फंक्शन पे जहाँ पे आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहली बार आया हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ आधी आबादी वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड्स को कि ये 7वां साल पूरे होने की खुशी में ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी तरह अच्छे अच्छे काम करते रहें और अच्छे अच्छे लोगों को अवार्ड देते रहें। जी, अवार्ड देने के अलावा भी हम महिलाओं को कैसे सपोर्ट और उनका क्या हौसला कैसे बढ़ा सकते हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए खास करके ये अवार्ड है, करेक्ट है, और महिलाओं के नाम से है, तो ये अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है और पूरे दुनिया की अगर बात किया जाए तो वुमेन्स यानी महिलाएं हर फील्ड में ऐसा ऐसा काम किया है कि जो छाप छोड़ा है और उनके लिए अवार्ड ये सम्मान बहुत ही मुझे खुशी हो रही है। जी, आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट योर फैमिली, आप तीन अवार्ड देना चाहें महिलाओं को, कौन सी होंगी, किनको आप अवार्ड अगर आप दे दो आप किसको देंगे? सबसे पहला नाम लूंगा मैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर जी, इंदिरा गांधी जी, नरगिस दत्त जी। उदित सर, यहां पे वुमेन्स को अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, तो वहीं कल दिलीप साहब को भी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? दिलीप साहब का कल जन्मदिन था और मैं दिल्ली में था, लेकिन मैंने ऊपर वाले से दुआएं की उनके लिए कि ऐसा फनकार, ऐसा इंसान सदियों क्या कई सदियों में एक बार आता है, और दिलीप साहब वो शख्स हैं, वो एक्टर हैं जो एक इंस्टीट्यूट है हम सब लोगों के लिए, और उनको अगर देखें, एडमायर करें और उनके बारे में अगर सोचें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और हमने हम सब लोगों ने उनको देख के, उनके कामों को देख के, उनकी
हर चीज़ को देख के बहुत कुछ सीखा है और हम सब हमेशा सीखते रहेंगे। I would like to add that I'm very, very glad to be on this Aadhi Aabadi Women's Achiever Awards because we are awarding all those women who contributed to the society in different fields. So it's always a proud feeling to be a woman, and another women are getting the award. So it's, you know, it's a beautiful moment for all of them. So I'm very, very glad all of them could even come from all over India here and join us on this event. And I'm very, very glad I also got in the invitation, and I will be performing and do a bit of entertainment for them and make them happy as well for all the good goods which they have done to the society as well. Is there any inspiring women in your life you want to share? There are many women, be it even Mary Kom, who has done something extraordinary. Every woman has done something, even being a woman, giving the a birth to a child, even raising a child, this is a big deal as well, you know. So I think every woman deserve a award, achieving awards, because everyone is special. Everyone who is even taking care of all the children all over, even giving doing good things to the society, helping others in different fields, that, you know, the topics doesn't end here. So there are many women I'm looking forward and to meet. Also, I would like to meet all of them. We are on the backstage getting ready for the dance and for the performance, but definitely I am sure that after my performance will be done, I will be getting the opportunity to meet them all and congratulate them personally and get to know what all they have nicely done. Claudia, is there any message which you want to deliver to girls? Girls, definitely stay strong. I always say this message that my parents produced 3 beautiful girls, and I have no brother at all, but still they are proud, and all of us have achieved something in the world. So you should not discriminate girls. Definitely you should stand as a parent. If you have a baby girl, you should be proud of it. You should raise her, and definitely she will make you proud. So woman power. Shilpa, you have recently launched a book, The Great Indian Diet, and we all lead such stressful lives. We're running from place to place, no time to really think about what to eat, when to exercise, and basically just look after ourselves. So can you tell us a little bit about what motivated you to write a book of this much talked about, debated issue with so many solutions, but somehow nothing works for anyone? So could you just share a little bit with us?